हेलो, दिस इज़ डॉक्टर आशुतोष। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली रिवीजन पर। रिवीजन का मतलब होता है विज़न। विज़न मतलब किसी चीज़ को देखना, री मतलब उसको बार बार देखना। जैसे होता है रिसाइकल करना, रीयूज़ करना, रिटर्न करना, तो रिवीजन करना, समझे? तो रिवीजन का इम्पोर्टेंस आजकल बच्चे भूलते जा रहे हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो रिवीजन करने का एक बेस्ट तरीका है, एक टारगेट बनाओ 20 पेज का। 20 पेज दिन भर में पढ़ लोगे, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं तो 20 पेज तो तुम 3 घंटे में पढ़ के हटा दोगे। तो 20 पेज जब तुम पढ़ोगे, तो 20 पेज नहीं तो 15 पेज तो कम से कम तुम लिखोगे। जितना पढ़ो, जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको लिखते जाओ, ठीक है? जब लिखते जाओगे तो लिखने का भी तुम्हारा काम हो रहा है, और पढ़ने का भी काम हो रहा है, और देखने का भी काम हो रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप देखते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, पढ़ते हैं तो कम सीखते हैं, सुनते हैं तब भी कम सीखते हैं। जैसे आप मूवी देखें तो ज़्यादा सीख लोगे, मूवी के बारे में खाली सुन लो तो कम जानोगे, मूवी के बारे में खाली सुन लो तो और कम जानोगे। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ भी रहे हैं मतलब देख रहे हैं, सुन रहे हैं मतलब बोल के लिख रहे हैं, लिखने से याद तो हो ही रहा है। तो ऐसे क्या होता है, तीन तीन काम एक साथ होता है, ठीक है? तो ये बेस्ट तरीका है, इसको अपनाओ, सब सही हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। आजकल बच्चों का क्या है, रिवीजन छोड़ दे रहे हैं। रिवीजन मत छोड़ो भाई। क्लास में आज तुम जो भी पढ़े, तुम्हें 80% 90% याद हो गया, लेकिन 2 दिन बाद 4 दिन बाद पूछेंगे तो 25% भी याद नहीं होगा, समझे? इसका यही वजह होता है कि आपने रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन जो थोड़ा 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 करते रहता है ना, वही बाद में टॉप कर लेता है। इसीलिए जब आप